बोलबाला है, बोलबाला जो जनता के साथ घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी का बोलबाला है। जो इनका आंदोलन था कल का, वो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ट्रेन रद्द हो रही है। जो नेता वहाँ पर दिखाई दे रहे थे कल, तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे अपनी टिकट के लिए। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन के खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमने किया है के एस चौहान सर को, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया का काम भी बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा मैनेज मीडिया वालों को करते हैं। हम थोड़ी सी राजनीति चर्चा करने के लिए उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, तो जन सवाल हम उन पर दागने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चुनावी समर चल रहा है, एक त्यौहार, हर त्यौहार की तरह एक त्यौहार चुनाव का भी होता है, चुनावी समर चल रहा है और कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको एक वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अब कांग्रेस जो है पद यात्रा की ओर बढ़ पड़ी है प्रदेश सरकार द्वारा, इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा जरूरी है कांग्रेस को कि भारत से जुड़ना जरूरी है। आप भारत के नाम से आपको परहेज है, आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वो बाहर जाता है और भारत के बारे में अच्छी बातें नहीं बोलता है। हम अंदर आपको कोई भी गिला शिकवा हो वो घर में रहता है, बाहर जाके आपको अपनी स्तुति ही, अपने देश के बारे में स्तुति ही करनी चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा आपने खुद ही तोड़ा है, आपने मतलब जैसे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बिना कैबिनेट की मीटिंग लिए, बाद में दस्तखत लिए और बिना कैबिनेट की मीटिंग लिए ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हस्ताक्षर करके आ गए थे। उसी के कारण गांधी जी उनसे नाराज रहे और उसके बाद उनकी सभा में गांधी जी ने जाना बंद कर दिया। ये उन और सिर्फ इसलिए कि वो पहला प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इस वजह से। अरे, भारत जोड़ना है, आपकी मंशा दिखती है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जो अखंड भारत बनाने के लिए हो। ऐसे कोई पिछले 75 सालों में जब से आज़ादी हुई है तब से ऐसा कोई काम नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने अखंड भारत के लिए, उसका ये विचारधारा है कि अखंड भारत के लिए वो प्रयासरत है, शुरू से प्रयासरत है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। और वो हम बहुत सफल भी होंगे। अभी G20 आप देख लीजिए कि जो बाकी देशों से प्रधानमंत्री जी आते हैं और भारत के साथ ऐसे जुड़ते हैं, तो भारत से जुड़ने का पहले प्रयास करना चाहिए। भारत के नाम से आप यात्रा निकालेंगे और ऐसा कोई देश के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझ सकती ये उचित है। जब यात्रा की बात चल रही है तो एक चर्चा ये करना चाहेंगे कि पीएम मोदी की यात्रा पर कांग्रेस तंज कसती है कि अब चुनावी वक्त आया है तब यात्रा की याद आ रही है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं श्री मोदी जी, तब से ये 10वीं यात्रा है छत्तीसगढ़ की, 10वीं, और कई सौगातें भी लेके आए हैं। और पिछली ही यात्रा में उन्होंने बोला था कि सभा में बोला ने घोषणा की थी कि 6400 करोड़ रुपए का हम लोग यात्रा में वो हुआ है। इनकी प्रॉब्लम मोदी जी आ रहे हैं ये नहीं है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ नहीं कर पाए। पिछले UPA सरकार में 10 साल का जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, उसमें वो मनमोहन सिंह जी कितनी बार आए थे, तो सिर्फ एक बार आए थे 2014 में, वो भी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए, ऐसे काम के लिए तो कभी नहीं आए। नया राज्य बना था उसके बाद भी आप यहाँ पर नहीं आते, तो इसको बोलते हैं सौतेला व्यवहार करना, इसको बोलते हैं कि एक ही परिवार के हिसाब से चलना। लेकिन हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर 10वीं बार आ रहे हैं और हमें गर्व है कि वो छत्तीसगढ़ का को इतना प्यार देते हैं, छत्तीसगढ़ को इतनी गंभीरता से लेते हैं छत्तीसगढ़, और इसको बोलते हैं कि एक जब प्रधानमंत्री अपना अभिन्न अंग किसी भी राज्य को, भले वो छोटा हो भले बड़ा हो, उसको समझता है, ये उनका उदाहरण है।
विधानसभा चुनाव प्रदेश में है, हुँ। चंद ही महीनों, मतलब 2-3 महीना ही के अंदर ही इसका तो वो हो जाएगा। हुँ। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का प्रदेश में आना किस तरह असर डालेगा, क्योंकि हर तरफ भूपेश सरकार का ही ज़्यादा ही दबदबा, बोलबाला कका को लेकर के काफ़ी सुर्खियाँ देखी जाती है। हाँ, बोलबाला है, बोलबाला है, बोलबाला विफलताओं का बोलबाला है, बोलबाला है, बोलबाला जो जनता के साथ घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी का बोलबाला है, बोलबाला है, बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो वो बोलबाला अलग है, और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सिर्फ और सिर्फ उनकी विफलताएं, कमियां, भ्रष्टाचार या उनकी जो वादा खिलाफी, वो ही सिर्फ गिराने नहीं आ रहे हैं। केंद्र ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना भी श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मेन ध्येय है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल 15 साल का और 4.5-5 साल का इनका कार्यकाल भूपेश सरकार का, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो डिसीजन है वो जनता का ही होता है, लेकिन एक तुलना करवाना, एक लोगों को जागरूक करना, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी उसके बाद रेल के लिए बहुत सारी उपयोगी जो घोषणा है वो भी लेके आ रहे हैं। रेल की बात की आपने घोषणा को लेकर, तो कल कांग्रेस का बड़ा रेल रोको अभियान था, इसे किस नज़र से देखते हैं आप? काफ़ी जगह प्रभावित हुई है ट्रेनें। देखिए शहन जी, जो इनका आंदोलन था कल का, वो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ट्रेन रद्द हो रही है या ट्रेन डिले हो रही है, उससे कोई लेना देना, जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। अगर और एक्चुअल में ये मुद्दा है भी नहीं, उसके दो ही कारण हैं कि एक तो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा है रायगढ़ में, जिसमें वो रेल के लिए कुछ देने वाले हैं। दूसरा, चुनावी समय है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हम लोग अपोज कैसे करें? जो देने वाले हैं उसको, मतलब उसमें खटास कैसे डालें, और जो अपनी विफलताएं हैं उसमें, मतलब उसको पर्दा कैसे ढकें। और जो जो नेता वहां पर दिखाई दे रहे थे कल, तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे अपनी टिकट के लिए, इनको कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये बोलता हूँ, अब रेल की बात कर लीजिए, क्या आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जब से पिछले जो 2014 से लेकर अभी तक 6 नए स्टेशन बने हैं, क्या इस चीज़ का विरोध हो रहा था? जो 2000 आपके 9 से लेकर 14 तक एक भी स्टेशन नहीं बना था, क्या आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि उस 14 के पहले 50 किलोमीटर सालाना विद्युतीकरण होता था रेलवे ट्रैक का, आज 140 किलोमीटर का विद्युतीकरण हो रहा है, क्या इस चीज़ का विरोध कर रहे थे? क्या आप इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि पहले 2014 से पहले 311 करोड़ रुपए का पैसा दिया जाता था छत्तीसगढ़ के रेलवे को, और आज 19 गुना ज़्यादा 6008 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, क्या इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? क्या इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि 52 सुपरफास्ट ट्रेनें पहले चलती थी 2014 के पहले, और आज चलती हैं वो ये आज चलती हैं ट्रेनें लगभग 200 200 लगभग ट्रेनें चलती हैं, तो क्या इस चीज़ का विरोध कर रहे थे? क्या इस चीज़ का आप विरोध कर रहे थे कि हम जो पहले जो हम लोग 100 कोई भी ट्रैक नहीं दे पाते थे, और आज 147 किलोमीटर, आज 147 किलोमीटर की ट्रैक बिछी हुई है, और 472 किलोमीटर का दोहरीकरण और तेहरीकरण हुआ है ट्रैक का, क्या इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? जो जबकि 2009 से लेकर 2014 तक 1 किलोमीटर भी आप ट्रैक नहीं बिछा पाए, और एक भी स्टेशन नहीं लगा पाए, क्या इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? अरे आप तो सिटी बसेस को संभाल नहीं पाए, जैसे ही आपने आया तो सिटी बसेस आपने बंद कर दी, और आप आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं इस चीज़ का, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे हर स्टेशन पे लगाए जा रहे हैं, स्टेशन को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ीकरण बनाया जा रहा है, आधुनिक बनाया जा रहा है, क्या इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप? तो ये विरोध सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है, और पीएम जो प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं
उनकी सभा को मतलब खटास डालने का है, और जो वो अभी देने वाले हैं तो उसमें मतलब भांजी मारने की कोशिश, बस और कुछ नहीं। प्रभावित होगा कांग्रेस का जो रेल रोको अभियान था, आज की जो सौगात, अभी तो खैर पत्ते खुले नहीं, हमें पता नहीं क्या सौगात मिलने वाली है, वो सौगात प्रभावित करेगा। देखिए जनता सब जानती है, जनता ये देख रही है कि आप जो भी रूट है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से जितने भी रूट में ट्रेनें जाती हैं वहां पर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि उस रूट में ट्रेनें नहीं गई हैं। मैं मानता हूं कि कुछ ट्रेनें रद्द हो गई होंगी, रद्द होती हैं, वो सिमिलर प्रोसीजर है आप, और लेकिन जिस रूट में 3-4 ट्रेनें जा रही हैं एक आध ट्रेन नहीं जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले जो रिजर्वेशन की जो थी, एक पहले जो रिजर्वेशन की एक सुविधाएं थी, जो पहले लंबी लंबी कतारें लगती थी और रिजर्वेशन मिलता नहीं था, आज देख लीजिए आज आसानी से रिजर्वेशन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि लोग प्रॉब्लम में है। आज आप आम जनता से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि जितनी बिजली आती है उससे ज़्यादा आनी चाहिए, जितनी ट्रेनें चल रही हैं उससे फास्ट चलनी चाहिए, जितना अगर आप पूछेंगे कि क्या ट्रेन का किराया ज़्यादा है तो वो बोलेंगे कि हाँ ट्रेन का ज़्यादा किराया है, उसको कम होना चाहिए। वो अगर आप बोलेंगे कि यहाँ क्या यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है तो वो बोलेंगे कि हाँ और साफ़ सफाई होनी चाहिए, किसी भी रोड चलते में तो वो बोलेंगे, लेकिन आक्रोश कहीं नहीं दिखता है। और प्रैक्टिकली हम लोग अगर देखें तो बहुत ही अच्छा सुचारू व्यवस्था चल रही है और कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है चुनाव की बात हम कर रहे थे तो जी। अभी चुनावी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपने पहले प्रत्याशियों के नामों की तो घोषणा कर चुका है। सेकंड पोजीशन में अभी प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं, जबकि बस्तर बाहुल्य क्षेत्रों में इसकी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कब जब नामों की घोषणा की जाएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 21-22 नाम दे के बहुत ही एक अटैकिंग मोड पे है, और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है इस चुनाव को लेके, छत्तीसगढ़ को लेके। और ये तभी हो पाता है जब आप एक टीम वर्क के हिसाब से काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पहले इतिहास में कभी भी फर्स्ट लिस्ट बहुत ही कम ऐसे प्रत्याशी, बहुत ही कम ऐसे समय रहता है जब आचार संहिता से पहले ही फर्स्ट लिस्ट की घोषणा हुई है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है और इसका दूरगामी परिणाम बहुत ज़्यादा चुनाव में देखने को मिलेगा, जिससे कि कांग्रेस मतलब अव्यवस्थित हो गई है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें, क्योंकि आप पहले अगर घोषित कर देते हैं लिस्ट, इसका मतलब ये है कि आप के मतलब आपके दल में कोई गुटबाजी नहीं है, आपके दल एक टीम वर्क के हिसाब से चल रहा है। तो ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे और कांग्रेस की कार्यप्रणाली पे। ऐसा माना जाता है, चर्चाओं में भी रहता है कि प्रत्याशियों के नाम पहले ही सुनिश्चित होते हैं, लिफाफे में बंद होते हैं, फिर प्रक्रिया होती है घोषणा होने की। क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का बोल रहे हैं क्या आप? देखिए क्योंकि आप बिलोंग भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं तो आपसे ये सवाल है। शाहिन जी, ऐसा है कि नाम तो छन छन के ही जाते हैं, ऊपर जितने जाएंगे नाम वैसे वैसे छनते हुए जाते हैं कि कौन विनिंग कैंडिडेट है। तो स्वाभाविक रूप से मतलब कुछ कुछ नाम ऐसे रहते हैं कि, लेकिन एकदम से जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक हम ये सोच नहीं सकते कि ये नाम पक्का है, जब तक घोषणा ना हो जाए। और स्वाभाविक रूप से कुछ कुछ नाम मतलब संभावनाएं रहती हैं लेकिन पक्का नहीं रहता, संभावनाएं रहती हैं कि हाँ इनको दिया जा सकता है या इनको दिया जा सकता है, और जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक कोई भी नाम पक्का नहीं मान सकते। राजनीति की बात करें तो प्रदेश की राजनीति में सबसे सेंसेटिव क्षेत्र जो है दुर्ग जिला आता है, 4 विधानसभा, 4 मंत्रियों का क्या कहना चाहेंगे? अभी दुर्ग सांसद जो अपने बघेल जी हैं, पाटन विधानसभा से जो भूपेश बघेल अपने राज्य के मुखिया का क्षेत्र है, जी बघेल वर्सेस बघेल, जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पर बघेल वर्सेस बघेल की जगह आप ये बोल सकते हैं कि काम वर्सेस
जनता को कुछ नहीं समझना, काम वर्सेस आप वादा खिलाफ भी बोल सकते हैं, काम वर्सेस आप भ्रष्टाचार बोल सकते हैं, काम वर्सेस आप वादा खिलाफ ही बोल सकते हैं, और काम वर्सेस आप अन्य विफलताएं बोल सकते हैं। तो जनता ये देखती है कि हमारा प्रत्याशी जो है ठीक है, लेकिन वो पिछले हम गुड गवर्नेंस चलाया है कि नहीं चलाया है। और हमारे विजय बघेल जी पहले भूपेश बघेल जी को हरा भी चुके हैं, और अभी वर्तमान में वो जो सांसद के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि जब सांसद थे तो वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और टॉप 10 पे मतलब जो ज़्यादा मतों से जीते हैं इंडिया में तो उनका नाम शुमार है। तो और छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक मतों से जीतने वाले वो सांसद हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तो लाभ मिलेगा। और विजय बघेल जी वहाँ पर जमीनी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि विजय बघेल जी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और विजय बघेल जी अब तो कितनी ज़्यादा मतों से जीतते हैं ये हम देख रहे हैं। आज पूरा पर्व है छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार। जी शहरवासियों को अपनी शुभकामनाएं भी दे दीजिए और इस त्यौहार के लिए दो शब्द बोलिए। जी पूरा त्यौहार हमारा भादो अमावस्या में आता है, इसके साथ एक पारंपरिक कथा भी है कि जब कृष्ण भगवान को कंस ने एक राक्षस को भेजा कृष्ण भगवान को मारने के लिए, वो उनका पोलासुर नाम था, तो उसका वध कृष्ण भगवान ने आज ही के दिन भादव के अमावस्या वाले दिन किया था, इसी वजह से ये पोला त्यौहार मनाया जाता है। और दूसरा जब मिंजाई और साथ में रहते हैं खेती बाड़ी के जो काम रहते हैं, तो उसमें जब पूरा हमारे बेटे के जैसे, हमारे सहयोगी के जैसे, मित्र के जैसे हमारे साथ काम करता है, तो आज के दिन छत्तीसगढ़ में या अन्य प्रदेशों में भी मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, तो आज के दिन ऐसा हम समझते हैं कि खेती बाड़ी के पूरे काम हो चुके हैं। अब आपका हम आभार व्यक्त करते हैं, आपको थैंक्स बोलते हैं, और पोला का शब्द पोला बेटे को भी बोलते हैं, तो ये एक आभार व्यक्त करने का, एक धन्यवाद देने का पर्व है, उन्हें भोग लगाने का पर्व है, और जिसे हम बहुत ही शिद्दत के साथ मनाते हैं। तो आप इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पूरा त्यौहार की आप सभी दर्शकों के, एशियन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, गाढ़ा गाढ़ा आपको धन्यवाद और गाढ़ा गाढ़ा आपको बधाई। इतना अच्छा इतिहास पूरा खुलकर आपने बताया जो कि मुझे भी नहीं पता था। ये जरूर पता था कि नई फसलों के उगने का, खेत की कटाई का त्यौहार है, लेकिन इसका इतिहास जो बताया वो दर्शकों को भी बहुत भाएगा, क्योंकि एक बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी यानी जानकारी चौहान सर ने दी है। तो चौहान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का।